अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में स्थानीय विधायक नंदलाल की अनदेखी से रामपुर कांग्रेस उग्र हो गई है। गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि एसडीएम रामपुर सांस्कृतिक मंच से ही माफी मांगे, नहीं तो 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के रामपुर आगमन पर काले बिल्ले लगाकर कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाएगा। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय विधायक की अनदेखी का रामपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिकरण के चलते मंच पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया गया। संध्या के दौरान मंच के अन्य अतिथियों का स्वागत और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल का स्वागत न करने पर ब्लॉक कांग्रेस ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कड़ा रोष जताया। नारेबाजी के बाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय गए और विधायक के अपमान के लिए सांस्कृतिक मंच से ही माफी मांगने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 14 नवंबर को मुख्यमंत्री के रामपुर आगमन पर काले बिल्ले लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करेंगे। वहीं एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि विधायक का वे सम्मान करते हैं और कोई भूल चूक हुई तो वो उसके लिए माफी मांगने को तैयार है। साहिब सिंह मेहता ने बताया कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर भाजपा के लोगों को सांस्कृतिक संध्या में तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मंच पर जनप्रतिनिधियों का अनादर हुआ है। चुने हुए व्यक्ति लोकतंत्र में जो एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके साथ जो पिछली रात 11 तारीख को हमारे जो चुने हुए विधायक है आदरणीय श्री नंदलाल जी, उनको जो जिस तरह से स्टेज पे बुला के उनका सम्मान नहीं किया और इसको जो है एक छोटी सोच के साथ जो है पार्टी बेस बना दिया, और पार्टी बेस में क्या ऐसे लोग जो कि डिजर्व ही नहीं कहीं करते उनको सम्मानित किया जा रहा है, और जो इलेक्टेड लोग हैं 50-60 हज़ार 70 हज़ार वोटरों से जो चुन के गए हैं उनको अपमानित किया गया। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषवर नेगी की रिपोर्ट।